पता कल जाके वो मनु को भी छोड़ दे और मनु को भी मरवा दे और परसों जाके किसी और से शादी कर ले। ऐसे ऐसे लोग को समाज में रहना। यही काम आरती ने किया छोटू के साथ और मनु के साथ और ना जाने कितनों के साथ होगा, इस बात को तो मैं नहीं कह सकता हूँ। आज वो मनु से शादी कर ली है क्या? वो जो ब्लॉग वाला आईडी बनाई है छोटू लव आरती, क्या उसको हटा देगी? कि एक इतिहास था हीर और रांझा, लैला और मजनू, हमें लगा था कि वही इतिहास फिर दोहराएगा। देश में और भी बेटी बहुत तरक्की कर रही है। एक तरफ बेटी के साथ बहुत ऐसे जगह पे शोषण हो रहा है, दिन पर दिन बलात्कार की घटना। आप वो किसी का हत्या नहीं कर सकते हैं, हम इसलिए गए थे। और आप लोग जो बोल रहे हैं एक भैंसुर से, तो छोटू आरती का शादी नहीं हुआ था। देखिए, देश का एक ऐसा मुद्दा जिसने सभी को मतलब प्रभावित कर दिया था और इतने ज़्यादा लोगों ने उस चीज़ को पसंद किया कि हम लोगों की भी मजबूरी हो गई दिखाना। अब मैं बात कर रहा हूँ उसी आरती की, जिस आरती के वजह से तमाम लोगों की रूह कांप गई थी आज से 6-7 महीने पहले। और 6-7 महीने बीते नहीं, उसके प्रेमी की हत्या हो गई और 6-7 महीने बाद उसने ऐसे कुकर्म कर दिया जो कि अपने भसूर से लोग छुआते नहीं है हिंदू धर्म में, उसने अपने भसूर से ही शादी कर लिया। पत्रकारों के जाने के बाद हंगामा हुआ। हमारे साथ अभी युवा नेत्री प्रिया राज हैं, इन्होंने भी सपोर्ट किया था, इन्होंने भी उनके घर गई थी और इनको कहा था कि मैं न्याय दिलाऊंगी। लेकिन इनको भी शायद मुझे लगता है कि अंदाज़ा नहीं होगा कि प्रिया राज को वहाँ गई होंगी तो सोची होंगी शायद मुझे लगता है न्याय दिलाना है, लेकिन इतना बड़ा कांड हो जाएगा फिर से, इनको भी अंदाज़ा नहीं होगा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, आप लोग गए हुए थे, क्या सोच के वहाँ पे गए हुए थे? इतना हल्ला गुल्ला हुआ, आप लोग भी गए तो बहुत लोग गए थे आप लोगों के साथ, लेकिन क्या आपको पता था कि ऐसा कर? हम लोग सोच के इसलिए गए थे कि छोटू का हत्या हुआ था। हम इसलिए नहीं गए थे कि आरती का प्यार खत्म हो गया। हम इसलिए गए थे कि एक छोटू का हत्या हुआ है और हत्या करना गुनाह है, आप किसी का हत्या नहीं कर सकते हैं, हम इसलिए गए थे। और आप लोग जो बोल रहे हैं एक भैंसुर से, तो छोटू आरती का शादी नहीं हुआ था, वो इसको भैंसुर तो मान चुकी थी ना, वो तो मान चुकी है, कुछ नहीं होता। आग तो दी है ना, आग दी है पति, आग कौन दी है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आग उसके पापा खुद दिए हैं। ये गलत बात है, आरती आग नहीं दी थी कहीं से नहीं, और छोटू आरती का शादी नहीं हुआ था, इसलिए मनु उसके भैंसुर लग ही नहीं सकते हैं, कहीं से नहीं लग सकते। और हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, देश में और बिहार में सिर्फ एक ही मुद्दा नहीं है आरती, देश में और भी बेटी बहुत तरक्की कर रही है। एक तरफ बेटी के साथ बहुत ऐसे जगह पे शोषण हो रहा है, दिन पर दिन बलात्कार की घटना। आप वो चीज़ क्यों नहीं दिखाते? क्यों आप लोग टीआरपी के पीछे पड़े हैं, हमें ये बता दीजिए। देखिए, हम लोग दिखाते हैं, हर एक चीज दिखाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा बात है, नहीं नहीं बिल्कुल, आरती 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 आप लोग क्यों? नहीं नहीं, सभी चीजों को दिखाना जरूरी है, लेकिन आरती का मुद्दा इसलिए लोग देखना चाहते हैं। लोग हम लोगों को फोन करते थे पहले जब ये मुद्दा चल रहा था, बहुत ज्यादा लोग कॉल कर रहे थे। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि इस लड़की ने जो किया कहाँ तक सही था कि एक घर में रहती थी फिर अचानक शादी कर ली? रातों रात वही तो हम आपको बता रहे हैं, क्या देश में और बिहार में अब एक ही मुद्दा बच गया है? मीडिया के पास अब कोई मुद्दा नहीं है जो अपना वो चलाएंगे। अरे ढेर सारा भाई मुद्दा है, ढेर सारे लोग बेबस है, गरीब मर रहा है, लाचार है, मेडिकल वाले समस्या को आप देख लीजिए, हर तरफ समस्या ही समस्या। क्यों आरती के पीछे पड़े हैं वो लोग तो पता नहीं। हमको लगा था कि एक इतिहास था हीर और रांझा, लैला और मजनू, हमें लगा था कि वही इतिहास फिर दोहराएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये कलयुग है, कलयुग में क्या सही होगा क्या गलत होगा मुझे भी नहीं पता। तो आरती वाले मुद्दा को अगर हम बंद कर देते हैं वही हमारे लिए बेहतर होगा। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, प्रेम एक ऐसा शब्द है जिसके बिना पूरा दुनिया अधूरा है। प्रेम करना ही पड़ता है, प्रेम चाहे भाई से किया जाए, बहन से किया जाए, चाहे एक प्रेमिका से किया जाए। लेकिन हाँ, इसी पे मैं आ रहा हूँ कि आखिर ये कैसा प्यार कि आपका प्रेमी मर जाता है जिसको आप पति मान चुकी हैं, उसके जाने के बाद आप शादी कर लेती हैं किसी और से, कैसा प्यार? ये प्यार नहीं था, ये प्यार नहीं था, सीधा बोल रहे हैं। ऐसे ऐसे लड़की प्यार की लायक नहीं होती है। साल भर अगर हिंदू धर्म में माना जाए तो साल भर वो इंतजार कर सकती थी, जिन्होंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, दुनिया को छोड़ दिया। सबसे ज्यादा स्नेह लोग को माँ बाप से रहता है। प्यार है ठीक है, हम भी और कोई भी प्यार कर सकता है, लेकिन माँ बाप को त्याग कर हम ऐसे प्यार को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते जो माँ बाप को ही त्याग दे। अच्छा, माँ बाप को सिर्फ उसने इसलिए छोड़ा था क्योंकि छोटू से कह रहे थे कि प्रेम करते हैं, इसीलिए छोड़ा था। लेकिन जब छोटू को भी तुम कहाँ हुई, तुम तो आज किसी और की हो गई। छोटू के लिए कही कि तुम, मैं आजीवन विधवा बन के रहूंगी, और जब मौका आया तो 6 महीने भी नहीं बीते और शादी कर ली। कैसा प्यार? ऐसे लड़की शर्मसार कर दी पूरी। सही बात है, ऐसे ऐसे लड़की समाज के लिए क्या कहें हम, एकदम अजीब हो रहा है कि एक लड़की पॉजिटिव थिंकिंग देती है कि मतलब जागरूकता होता है कि समाज में लड़की मोटिवेट हो, मजबूत हो, ऐसे ऐसे लड़की की वजह से ही लड़की पे उंगली उठता है। हम भी एक लड़की है और मुझे भी जब हम देखे तो आश्चर्य लग रहा था कि भाई क्या नौटंकी हो रहा है, और उनके फैमिली भी ऐसे कैसे लोग हैं जिस नौटंकी में सबको। तो आप लोग को भी सीधा हम बोल रहे हैं, इस मुद्दा को यहीं बंद कर दीजिए, वो कोई मुद्दा नहीं है। देश में बहुत लड़कियाँ हैं जो
कहते हैं प्लेन उड़ा रही है, ट्रेन चला रही है, बस चला रही है, ऑटो चला रही है, यूनिवर्सिटी चला रही है। आप वो चीज़ दिखाइए कि लड़की नारी शक्ति कितनी मजबूत है और कितने अच्छे से काम कर रही है। आरती कोई मुद्दा नहीं है, आरती का टॉपिक हम सभी मीडिया भाई लोगों से हम बोलना चाहते हैं कि अगर आपको थोड़ा भी अगर देश और बिहार से प्रेम है तो ये वाला मुद्दा हम जानते हैं कि आपको TRP मिल रहा है, आपका व्यूज बढ़ रहा है, आप पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हमारा देश हमारा बिहार का जो वातावरण है वो किस और जा रहा है ये आप नहीं समझ पा रहे। हमारे गांव की हमारे लोगों की यहाँ की आप लोग का जो भी वीडियो होता है गांव गांव तक लोग देखता है, हर लोग देखता है। तो आपके माध्यम से आप वीडियो बार बार डालते हैं, सेम उसी चीज़ को दोहरा रहे हैं, इससे गंदा संदेश जा रहा है, अच्छा नहीं जा रहा है। इसलिए सभी मीडिया जो कि बड़े स्तर पे है छोटे स्तर पे सभी से मैं यही कहना चाहती हूँ, गांव लेवल पे जो भी लोग हैं आप इस मुद्दा को बंद कर दीजिए। जैसे अश्लील गाना का लोग अश्लील गाना जब आता है तो उसको वीडियो डाल के और लोग उसका TRP बढ़ा प्रचार कर देते हैं, जो गाना हम नहीं भी सुने होते हैं, जो गाना हम नहीं भी जानते हैं उस गाना को आप लोग इतना TRP देते हैं, इतना TRP देते हैं कि लोगों तक पहुंच जाता है। तो ऐसे आप लोग मत कीजिए, आप लोग इस चीज़ के लिए नहीं बने हैं, आप देश के चौथा स्तंभ हैं, आप देश के लिए बहुत कुछ, आप देश की आवाज़ है, लेकिन अगर आप ही लोग ऐसे ऐसे मुद्दा को दिखाइएगा तो देश कैसे बदल सकता है, बिहार कैसे बदल सकता है। बेटियों को क्या संदेश देना चाहिए जो कि इस सब मामलों में पढ़ करके और बर्बाद हो जाती है, अपने पूरे परिवार को बर्बाद, आखिरी संदेश क्या देना चाहिए? तो सीधा कहेंगे जो मम्मी पापा जो कहते हैं वो फैसला मानना चाहिए, मम्मी पापा से बढ़ के दुनिया में कोई कुछ नहीं होता है। प्यार है कीजिए, अगर मम्मी पापा राजी है तब कीजिए, मम्मी पापा के अगेंस्ट जाके कभी मत कीजिए। हम यही कहेंगे कि माँ बाप से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं होता, और एक दिन उस आरती को भी एहसास होगा जब उसके माँ बाप का एहसास होगा, और होगा ही, अभी उसको लग रहा है कि पूरी दुनिया उसका परिवार जो भी है उसके साथ है, लेकिन हम यही चीज़ कहना चाहते हैं आज वो मनु से शादी कर ली है, क्या वो जो लव वाला आईडी बनाई है छोटू लव आरती, क्या उसको हटा देगी? क्या हटा देगी? क्या उसके घर में सारा कुछ जो हो रहा है पूरा दुनिया जान चुका है, क्या वो लड़का एक्सेप्ट सही से कर पाएगा? उसको नहीं लगेगा जिस लड़की के साथ मेरा भाई रह चुका है, मेरा भाई प्यार कर चुका है, उसको एक्सेप्ट करने में कितना टाइम लगेगा? प्यार और संबंध और रिश्तों को इन्होंने बंदरवाट बना के रख दिया है, रिश्ता का क्या अहमियत होता है आरती ने पूरे ख़त्म कर चुकी है, तो रिश्ता की अहमियत उसको उसी दिन ख़त्म हो गई हो एकदम से 100% आने वाले दिन में वो अपने माँ बाप को छोड़ी है, अपने और से उसको प्यार हो गया तो हम मनु को छोड़ के चल जाएगी। ऐसी लड़की कुछ भी कर सकती है, जो लड़की जो जन्म दिया माँ बाप, जो बहन साथ में पली बड़ी बड़ी हुई, जीजा जी उसकी बहन रो रही है, उसका घर परिवार सबको बर्बाद करके जब वो लड़की एक घर में सिर्फ शादी कर ली 4-5 महीना के अंदर में ही, तो क्या पता कल जाके वो मनु को भी छोड़ दे और मनु को भी मरवा दे और परसों जाके किसी और से शादी कर ले। ऐसे ऐसे लोग को समाज में रहना हमको लगता है कि ये इसको सुधार गिरी में भेजना चाहिए। बाल सुधार गिरी हमारे देश में है, महिला सुधार गिरी हमारे देश में है, हमारे बिहार में है। हम अगर सरकार से मांग करते हैं कि आरती को सुधार गिरी में डालना चाहिए और वो सिस्टम और लड़की का रहने का क्या तरीका होता है उसको समझाना चाहिए। देखिए दो शब्द होता है, एक प्रेम होता है और एक संबंध बनाना, सिर्फ और सिर्फ संबंध बनाना, जो कि आजकल के रिश्ते हैं प्रेम से कई ज़्यादा ऊपर उठ के संबंध तक रह गए हैं। यही काम आरती ने किया छोटू के साथ और मनु के साथ, और ना जाने कितनों के साथ होगा इस बात को तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आप सब समझदार हैं, समझ गए होंगे। बस आप क्या सोचते हैं, प्रिया राज की बातों से सहमत हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और एक और बात इन्होंने बहुत अच्छा लगा कि कहा कि देश में और भी मुद्दे हैं, और भी बेटियाँ जो कि अच्छा कर रही हैं उन सभी को दिखाया जाए, तब जाके बिहार बदलेगा, देश बदलेगा, सिर्फ एक मुद्दे पर नहीं रहना चाहते। वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, कमेंट पर अपनी राय दीजिएगा, और पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।